बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो स्किन केयर इंडस्ट्रीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक स्किन केयर एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कि हमें अपनी स्किन केयर में जरूर शामिल करना चाहिए, वो है मिस्ट, यानी कि टोनर या फिर मिस्ट, आप कुछ भी उसको कह सकते हैं। हाय गाइस, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं लाइव ट्री, जहाँ पर हम बात करते हैं स्किन केयर और हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक स्किन केयर के ऊपर है, ये आपको पता चल ही चुका है। जब मैं हमारे स्किन के पीएच लेवल की बात करती हूँ, यानी कि पीएच लेवल क्या है, पीएच लेवल का मतलब होता है कि हमारे फेस यानी कि हमारी स्किन में जो है वाटर और ऑयल का जो एक संतुलन होता है, जो प्रॉपर बैलेंस होता है, उसको पीएच लेवल कहते हैं। अगर एक नॉर्मल हेल्दी स्किन की बात किया जाए तो उसका पीएच लेवल होता है नॉर्मल स्किन में 5.5, और अगर ये आपका पीएच लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है तो कैसे पता चलेगा कि पीएच लेवल कम हो गया है? तो हमारी स्किन जो है आपको इंडिकेशंस देती है, जैसे कि आपकी स्किन ड्राइनेस फील होना आपको स्टार्ट हो जाएगा, उसमें डिहाइड्रेशन फील होना आपको स्टार्ट हो जाएगा, आपकी स्किन में प्री मैच्योर एजिंग के साइन नजर आना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन डिहाइड्रेट नजर आएगी, आपकी स्किन में सैगिंग दिखना शुरू हो जाएगा, डल दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा फेस यानी कि हमारी स्किन का पीएच लेवल कम हो चुका है। तो ये होता कैसे है? कभी हम जो है कोई कॉस्मेटिक ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें कई ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो आपके स्किन में ड्राइनेस या फिर आपके पीएच लेवल को जो है कम करती हैं, आपके स्किन को हार्श करती हैं, तो वो सारी चीज़ों की वजह से आपके स्किन में जो पीएच लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा और कि हमारी स्किन बहुत अच्छे से स्मूथ नज़र आए, एक हाइड्रेटेड नज़र आए, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना होगा? वैसे तो हम बहुत से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, लेकिन आपको एक लाइफस्टाइल में एक चीज़ शामिल करनी होगी जो कि है टोनर या फिर कहूँगी मैं मिस्ट, जो कि आपके स्किन के ओपन पोर्स हो या फिर आपके स्किन में जो है साइन ऑफ एजिंग की समस्या हो या डिहाइड्रेशन हो, ये सारी चीज़ों को वो क्योर करता है। तो आज मैं आपको इसी तरह से कुछ बताने जा रही हूँ एक ऐसे टोनर के बारे में जो कि आप इसका यूज़ करेंगे, देखेंगे कि ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो टोनर है हमें बनाना कैसे है। बनाने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ें लगेंगी जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि टोनर को आपको अप्लाई कैसे करना है। इसको आपको एक दिन में आप 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्लीन फेस पे अप्लाई करना है, फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद आपको स्प्रे कर लेना है। जब वो आपका ड्राई आउट हो जाता है तो आपको यूं ही छोड़ देना है, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो कोई मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी सेल्फ लाइफ की। सेल्फ लाइफ इसकी बहुत अमेजिंग होने वाली है, एक तो विंटर्स चल रहे हैं और दूसरा इसके वैसे भी आप बहुत अच्छे से इसको 1 मंथ के लिए अपने फ्रिज में स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि इस स्प्रे को यानी कि टोनर को आप यूज करने के बाद आपकी स्किन धीरे धीरे जो है रिजनरेट होने लगेगी, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम क्योर होना शुरू हो जाएंगी और आपको इसको अपने लाइफ में जरूर शामिल देखते हैं ये टोनर कैसे बनेगा। तो हमें लेना होगा सबसे पहले पैन, और पैन में आपको ऐड करना होगा इतना यानी कि 1 कप पानी। थोड़ा आपका बड़ा कप होना चाहिए, जिस अकॉर्डिंग आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से आप इसको पानी ले सकते हैं। तो मैंने लिया हुआ है 1 कप पानी। इसको आपको पानी को ऐड करना है और थोड़ा सा बॉईल होने के लिए यूं ही छोड़ देना है। नेक्स्ट इसमें ऐड करने वाली हूँ मैं, ये है सिनेमन, सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ आपको ये याद रखना है कि दालचीनी यानी कि सिनेमन की हमें स्टिक यूज़ करनी है, ना कि पाउडर। तो आपको इतनी क्वान्टिटी में लगेगा आपको सिनेमन, सिनेमन को आपको इसको पानी में डाल देना है और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। आपको बॉईल करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आप तब तक इसको बॉईल करेंगे जब तक ये पानी हाफ क्वांटिटी में नहीं हो जाता और इसकी सारी क्वालिटीज़ पानी में इन्फ्यूज़ नहीं हो जाती। कर लिया आपने इसको करने के बाद, अब आपको क्या करना होगा, इसको यूं ही तुरंत जो आपका गरम गरम पानी है इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना होगा, और स्ट्रेन करने के बाद आपको तुरंत इसको जो है साइड में ढक के रखना होगा, और आपको अब लेना होगा 1 टेबल स्पून सौंफ। जी हाँ, सौंफ, सौंफ आपके एंटी एजिंग बहुत अच्छे से काम करती है। सौंफ हमारे स्किन के लिए एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है जो कि आप अगर खाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, और आप इसका अगर स्प्रे यूज़ करते हैं या फिर पैक यूज़ करते हैं, जो मैंने एक आपको याद होगा मैंने एक सौंफ का एक पैक भी, फेस पैक भी दिखाया था आपको, तो अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स थे उसके। हमें ऐड करना होगा इतनी क्वांटिटी में सौंफ, और इसको आपको यूं ही ऐसे थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देना होगा 1 आवर के लिए। आप देखेंगे इसकी क्वालिटीज़ धीरे धीरे गर्म पानी के थ्रू और इतने टाइम में सारी चीज़ें अच्छे से इन्फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। सौंफ में जो है बहुत अच्छे ब्यूटी हार्मोन पाए जाते हैं, तो इसको मैंने ज़रूर ऐड किया, और आप इसको स्किप आपको नहीं करना है, आप इसको ज़रूर ऐड करिएगा और आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। ट्रस्ट में
तो जो ये सौंफ और सिनेमन का जो वाटर था इसको मैंने कर लिया स्ट्रेन, और अभी इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको ज़रूर इसमें ऐड करें, जो आपकी स्किन की फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स, डल लेंस, ये सारी चीज़ों को क्योर करता है। साथ ही साथ आपके स्किन में एक ड्राइनेस जो है उसको भी ये सॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम को एक हाइड्रेशन ऐड करता है। तो इसको आपको स्किप नहीं करना है, इसको डालने के बाद आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और उसके बाद अब आपको दूसरी चीज़ ऐड करनी होगी इसमें। नेक्स्ट उसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ टर्मरिक पाउडर। बस इतना सा आपको टर्मरिक पाउडर लगेगा, ये मेरा है एल्प्स गुडनेस का, जो कि मैं प्रमोट नहीं कर रही, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से वाइल्ड टर्मरिक, जो कि बहुत अच्छी है। तो मैं नेक्स्ट इसमें ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपके स्किन के पीएच लेवल को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, और आपके स्किन में एक ग्लोइंग, एक जो है आपका पिंकिश ग्लो भी ऐड करता है। तो इसको डालने के बाद आपको अच्छे से करना है मिक्स। जो है इस तरीके से एक स्प्रे बॉटल लेनी है और इसमें आपको इसको पोर कर लेना है। ये मेरा बन के हम लोग का रेडी हो गया है टोनर, बनने के बाद आपका कुछ इस तरीके से नज़र आने वाला है। तो इसको आप स्प्रे बॉटल में भी ऐड कर सकते हैं, यू डाल सकते हैं, और इसको आप अच्छे से जो है स्प्रे कर सकते हैं। फेस पे आपको स्प्रे करना है 2 से 3 बार, एक पूरे डे में आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप रात को सोने से पहले नाइट में जब आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद आप इसको अच्छे से आपको स्प्रे कर लेना है पूरे फेस पे, और उसके बाद आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर या फिर आप कोई ऑयल यूज़ करते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं उसको आपको अप्लाई कर लेना है। और ये कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो गया। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है सपोज दैट, तो आपको क्या करना होगा, आप इस वाटर को किसी क्लीन बॉटल में रख लें, और जब आपको यूज़ करना है तो उसको कॉटन बॉल, जैसे कि आप यूज़ करते हैं रोज़ वाटर को, वैसे आपको कॉटन बॉल से डिप करना है और फेस में यू टैप 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 करके छोड़ देना है, और उसको आपके स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके स्किन में, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो टोनर है आपका ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, तो आप इसको कोई भी किसी की स्किन हो वो आराम से इसको यूज़ कर सकता है। मैंने इतनी क्वांटिटी बनाया है, ये आराम से मेरा कई दिन चलने वाला है। तो आप इस तरीके से बनाइए, उसको अप्लाई करिए, और इसके रिजल्ट देखिए आपके स्किन में जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, या फिर आपके स्किन में ड्रलनेस फील हो रही है, या फिर आपके स्किन में ड्राइनेस है, डिहाइड्रेटेड फील हो रही है, या साइन ऑफ एजिंग नज़र आ रही है, तो आप इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज़ करेंगे, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके स्किन की ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, और आपके स्किन के जो सेल्स हैं वो रिजेनोवेट हो जाएंगे, और बहुत अच्छे से शाइन, ग्लो, सब कुछ आपका ऐड हो जाएगा। तो इसको आप गाइस ज़रूर ऐड करिएगा अपनी नाइट रूटीन में, कम से कम नाइट रूटीन तो आप जरूर इसको फॉलो करिएगा, और आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको ये रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाती हूँ, अगर आपको पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक करना होता है, जो कि आप अभी तुरंत कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।